आज हम लोग जो लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री के द्वारा उनके इशारे पर उनके साजिश के तहत उतरे लड़के द्वारा किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी 3 तारीख में और लगभग 4-5 किसान शहीद हो गए, उसी के संदर्भ में आज संयुक्त मोर्चा का आह्वान था कि आज रेल चक्का जाम 10 बजे से 4 बजे तक होगा। उसी के तहत संयुक्त मोर्चा के लोग आज हम लोग जा रहे थे जाम करने के लिए, लेकिन चुनाव सर्किल SDM और CO साहब सब लोग भारी पुलिस लगा करके PSC हम लोग को जबरदस्ती रोक दिया। हम लोग धरने पर फ्री में इतनी बड़ी घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की बात करती है और गृह राज्य मंत्री का लड़का आरोपी है, क्यों इस्तीफा नहीं दे रहा है? वह अपने उनको बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जबकि आज ITC पूछताछ में जो लोग उसमें सवार थे उस थार गाड़ी में उनसे पूछताछ में आज अखबार में आया है कि वो कह रहे हैं कि ये योजना जब वहाँ के किसानों ने काला झंडा दिखाया था गृह राज्य मंत्री को, उसी दिन योजना बनी थी कि किसान अगर आते हैं तो उनको रौद दिया जाए। ये समझ लीजिए अंग्रेजों की सरकार है, ये मोदी की सरकार नहीं है, अंग्रेजों की सरकार जो चल रही थी उस समय उससे भी बढ़कर सरकार है। गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज उस काम तो कर रहे थे आज संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था पूरे देश में किसान लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे के लिए पूरे देश में रेल चक्का जाम करेंगे। उसी के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है और ये कार्यक्रम तब तक चलेगा जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा बर्खास्त नहीं हो जाता और तीनों काला कृषि कानून वापस नहीं हो जाता। और MSP के कार्यक्रम तमाम बड़े बड़े आंदोलन हुए और किए जा रहे हैं, इसके बाद भी प्रदेश और केंद्र सरकार 8 महीने पहले 72 रुपए में पेट्रोल का दाम था वो 104 रुपए पेट्रोल, अडानी अंबानी जो डीजल 58 रुपए बड़े पैमाने पर चंदा लेकर के पिछला चुनाव लड़ी थी और आगे के चुनाव के लिए भी उनसे चंदा लेना चाहती है। इसलिए अडानी अंबानी को रेल, एयरपोर्ट और विद्युत, उसके साथ देश के किसानों को ये गिरवी रख देना चाहते हैं। तीनों कृषि कानून के तहत अडानी अंबानी के हाथ पूरे देश के किसानों को ये गिरवी रखना चाहते हैं, लेकिन भारत का किसान ऐसा होने नहीं देगा और ये अपनी लड़ाई लड़ेगा अंतिम तक। डीजल का दाम आसमान छू रहा है, गैस का दाम आसमान छू रहा है, अनाज का मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है, सरकार कह रही है कि हम दूना उपज का दूना हम देंगे, आखिर से कहना क्या चाह रहे हैं मोदी जी? माननीय नरेंद्र मोदी जी चूँकि किसानों को बेवकूफ समझते हैं, इसलिए उन्होंने ये नारा दिया कि 2022 तक किसानों का इनकम दूना कर देंगे, लेकिन 2022 तक किसानों का इनकम आधा हो गया। और इन्होंने उस समय कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मोदी सरकार जब 55 रुपए लीटर पेट्रोल था, 45 रुपए लीटर डीजल था, तब इनको महंगाई लग रहा था, 110 रुपए पेट्रोल हो गया, 100 रुपए डीजल हो गया, तो इनको महंगाई नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन देश की जनता को महंगाई समझ में आ रहा है और देश की जनता आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार को सबक सिखाएगी और इनको जवाब देगी।